हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और मैं आपको तो आप तो जानते ही हैं ना, वही पुराना आमिर। क्या करूँ, अब नया तो हो नहीं सकता ना, पुराना ही रहूँगा। तो लो जी, खैर, ये आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, अपनी बहनों के लिए, लेडीज़ के लिए इयर रिंग्स के। तो आप इसकी वैरायटी खाली चेक करें सिर्फ। इसमें टॉप्स की शक्ल भी है, इसमें एयर रिंग्स बड़े वाले भी हैं जो चेन स्टाइल में भी हैं। यानी मुख्तलिफ, बिल्कुल जो मुख्तलिफ डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हों, ताकि आपको चूज़ करने में और आपको शौक़ भी पैदा हो, चूज़ करने में भी आसानी हो और शौक़ भी पैदा हो। और ये खैर ज़रूरी नहीं है कि मेरी वीडियो देख के आपको शौक पैदा होगा। लेडीज़ को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ये नेचुरल चीज़ उनमें होती है कि उन्हें शौक़ पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। ये बनाओ सिंगार, ये चीज़ें, ये ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, इनसे इनका बचपन से बड़ा बहुत दिल ही लगा होता है। तो उसके लिए मेरी वीडियो की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है, ओह हो माई गॉड। और मैं आपको बताया ना, जब मैं ये वीडियो बना रहा होता ना, तो सबसे बड़ा नुकसान मुझे ये होता है कि मेरी वाइफ कहती है जी मुझे ये सब ला कर दो। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि लेडीज़ का कितना शौक है, कितना इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में। ओह हो ज़बरदस्त, क्या बात। तो जी खैर, देखते रहें आप, चूज़ करते रहें आपको किस तरह की चीज़ चाहिए। हाँ, बस ये अच्छा, इन चीज़ों का देखने का एक सिर्फ जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है, आपका माइंड सेट बन जाता है आपको किस तरह की, किस टाइप की चीज़ लेनी है, आपकी पर्सनैलिटी को भी सूट करे, माशाल्लाह चीज़ भी खूबसूरत हो। और जब आप पहने तो आप देखें, ये नेचुरल चीज़ है हर इंसान में। हर इंसान ये चाहता है वो दूसरे से अच्छा नज़र आए, मुख्तलिफ नज़र आए, डिफरेंट हो बिल्कुल। यानी जो चीज़ उसके पास हो या जो चीज़ उसने पहनी हुई, कोई ड्रेसिंग की हुई है, तो कोई शूज़ पहने हुए हैं, या लेडीज़ हैं जिन्होंने मेकअप ऐसा किया हुआ है, या ऐसा कोई ऐसा फैशन फॉलो कर रहे हैं कि यार वो किसी कोई और ना कर रहा हो, बस मैं, मतलब मैं अच्छा लूँ, ये इंसान की फितरत है। तो और इसमें कबाहत नहीं है। अगर ऐसा ना होता ना, तो फिर ये इतना कुछ ना आता मार्केट में, दुनिया में इतनी वैरायटी ना होती। वैरायटी लाने का मकसद ये होता है कि डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट, देखें हर तरह का इंसान है, हर तरह के लोग, हर तरह की वैरायटी, ठीक है, हर तरह की पर्सनैलिटी है, कलर आप कॉम्पिलेशन देख लें, और आप हाइट, आप क्या नाम है, बिल्कुल जिस तरह लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो अल्लाह पाक ने इतनी वैरायटी इंसानों में रखी, तो आप सोचें कि फिर इंसान अपने लिए क्या कुछ नहीं करेगा। वो तो कहेगा कि मैं और अच्छे से अच्छा नज़र आऊँ, और अच्छी से अच्छी डिफरेंट चीज़ें मैं बनाऊँ अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो लिहाजा ये माइंडसेट सबका होता है कि यार मैं अच्छा लगूँ। अब आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो आपके सबसे जो सबसे लो चीज़ होती है उसको हाथ लगाते हैं? नहीं, आपकी कोशिश होती है अपने बजट में रहते हुए जो अच्छी से अच्छी चीज़ आप परचेज़ कर सकें आप करते हैं, बिल्कुल करते हैं आप, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। और ये हर इंसान का हक है यार कि वो दूसरों से अच्छा लगे, मुनफरिद लगे, उसका स्टाइल लोग कॉपी करें, उसके फैशन को लोग फॉलो करें। तो इसमें मतलब कोई वो नहीं है, बुरी बात नहीं है, करना चाहिए। लेकिन हमेशा जो मैं जिस तरह आपको एक बात कहता हूँ कि फ़ैशन को फॉलो ज़रूर करें, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए। लो जी, वीडियो का ख़त्म फिर हुआ चाहता है। चलें जी, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।